हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग फ्रेंड्स। तो गाइस, गर्मी आ चुकी है, लाइब्रेरी में है। अभी हम लाइब्रेरी में जाएंगे, दिखाएंगे कहाँ पर जाएंगे सीधा। बाकी अभी तुम दस्ता देना भी हम कहाँ पर जा रहे हैं, तो उससे सीधा वहीं पर मिलेंगे। तो चलो मिलते हैं। और गाइस देखो, अभी क्या लोग हमारी एक्टिव वहाँ पर खड़ी कर करती है। अभी हम पावर हाउस पे हैं। और गाइस हमारा लुक देख लो, क्या टाकू बन रखे अभी हम, क्या चश्मा लगा रही है। चलो गाइस, पहले तो आप रास्ता देख लो, जो ये दिल्ली बाईपास की तरफ रोड जा रहे हैं ना, ये पावर हाउस से जा रहा है। तो गाइस अभी हम पहुंच गए, बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है। और अभी आपको दिखाते हैं आपको पूरा, यहाँ का ये इंटीरियर ढूंढे मिले। तो अब इनसे मिलिए, ये है रॉयल परांठा के ओनर्स रणबीर सर, और ये बता रहे हैं कि अगर आप मंगलवार को आएंगे तो वही 480 से ज्यादा वाला बड़ा परांठा, लार्ज भी, सिर्फ 480 में, सिर्फ मंगलवार को ना, सही मंगलवार को, सिर्फ ये भाई मंगलवार को है, और हर मंगलवार को 580 से ज्यादा वाला बड़ा परांठा एक्सल भी 580 का। तो ये ऑफर निकाल रखे हैं। और जलेबी है जो देसी की, वो भी 250 रुपए किलो रहेगी मंगलवार। मंगलवार क्या रहेगी सर? 250 रुपए किलो, 250 रुपए किलो रहेगी मंगलवार को देसी की स्पेशल जलेबी रहेगी। तो गाइस एक बार विजिट करो और एक बार टेस्ट यहाँ का करो, बताओ हमको भी रिव्यू मिलेगा कि हम रोहतक के अच्छे अच्छे जो कैफे है, रेस्टोरेंट है, फिर उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो रिव्यू जरूर देना है बड़ी, और विजिट भी करना है यहाँ पर जरूर। बाकी गरिमा देख भी क्या मंगाएगी। चलो गाइस, इसमें आपको यहाँ का एक्सप्लोर करा देती हूँ आपको कि क्या कुछ आता रहेगा। तो आप बाहर से ही दिखा देती हूँ आपको कितना क्या कुछ रहेगा। तो भैया यहाँ पे जलेबी है, जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे जलेबी भी मंगलवार को मिलते हैं देसी घी की, अभी तो मतलब बना नहीं रहे हैं, पर अभी बाकी क्या बना दिए, पैक करके रख दिए क्या? अच्छा अच्छा, चलो चलो भाई जलेबी दिखा देते हैं आपने। तो ये देख लो, ये देसी घी की जलेबी आगे स्पेशल। इन्हें क्या कुछ रहता है मंगलवार को 250 रुपए किलो होती है यहाँ पे, मंगलवार को 250 रुपए किलो होती है जलेबी। और वैसे कितनी रहती है? 280 वैसे 280 रुपए रहती है। और यहाँ का ये अंदर का जाने का पोर्शन है, हाँ ये परांठे। और भाई यहाँ के अंदर दावा करते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भारत का सबसे बड़ा परांठा है, अगर कोई यहाँ पे 50 मिनट में 3 परांठे खा ले तो ये क्या होने जा रहा है नाम, और एक बुलेट बाइक और जीवन भर के लिए यहाँ पे परांठा फ्री रहेगा। तो भाई विजिट करो और इस इनाम का फायदा उठाओ, वो ऐसा तोड़ सके रिकॉर्ड में आ जाइए, थोड़ा तोड़ सके तो। तो वही जैसे मैंने कहा था कि अभी ये इन्होंने ऑफर निकाल रखा है कि 50 मिनट 3 परांठे खाने के नाम और एक बुलेट बाइक भी, तो विजिट करें। और ये यहाँ का पूरा एरिया है, रिव्यू ले लेते हैं इनका, आपका रिव्यू ले सकते हैं। तो बताइए सर आपको कैसा लगा यहाँ का? बढ़िया है। आपने कौन सा परांठा मंगाया था अभी? ये आलू प्याज वाला मीडियम, ये मीडियम सर। आप दो दोनों खा लेते हो? खा लेंगे। तो क्या टेस्ट कैसा है इनका? बढ़िया है, टेस्ट अच्छा है बिल्कुल। चलो तो वही ये कह रहे कि अच्छा है, बाकी एक जगह से और पूछ लेते हैं। नमस्कार सर, आपने क्या ट्राई किया यहाँ पे? पनीर का परांठा, तो कैसा टेस्ट है? एक नंबर का है। तो आपने जो भी ऑफर देखा था वहाँ पे कि 50 मिनट 3 परांठे खा लेते हैं, तो आपने कभी ट्राई करने की सोची है? हम फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा फर्स्ट टाइम आए हैं, तो कैसा रहा इनका? एक नंबर का है। और ये आप क्या ट्राई कर रहे हो अभी? जूस। तो जूस कैसा है यहाँ का? अच्छा है, तो ये जूस ही बढ़िया है। और भाई तो इनका यहाँ पे, यहाँ से भी गेट एक पीछे से दिल्ली बाईपास तरफ से रोहतक एक्सप्लोर। तो ये अपना क्या है, ये दिल्ली बाईपास का है, चौक है, बिल्कुल साथ में पड़ता है, यहाँ से रोड है, उधर से भी रास्ता है। एक्सप्लोर सर, रोहतक एक्सप्लोर, EXPLORE। अरे भाई ये देखो, आई लव रोयल परांठा। बाकी अभी आपको दिखाएंगे कि परांठा कैसे बनता है, पूरा रिव्यू देंगे। और भाई यहाँ पे और भी आपको मेन्यू में दिखाएंगे पूरा क्या कुछ रहेगा। और भाई गर्मी कमी महसूस नहीं हो रही यहाँ पे। और यहाँ का ये वॉशरूम है,
अभी आपको परांठा दिखाएंगे कैसे बनेगा, और भैया आपको खाने का टेस्ट भी बताएंगे, हम खुद बताएंगे खाकर कि खाना कैसा आया था। तो भाई चलो भाई आप किचन में लेके चलते हैं इनके कि कहाँ पर परांठा बनता है। अति बेस्ट कहते हैं कि एक चीज़ दिखाऊंगे हमने नून है कि हम किसी भी चीज़ ना दिखा दें, मैं रुत खाते बड़ी चीज़ बताऊँगे। किचन में तो भाई किचन में आ गए इनका, अभी दिखाएंगे कि कैसा क्या बनता है इनका। और भैया अभी बन रहा है पनीर और प्याज का, पनीर और प्याज का परांठा बन रहा है अभी फुल साइज, इससे बड़ा भी अभी हम लोगों ने मंगाया है एक्स्ट्रा लार्ज, ये आपका फुल साइज, ये हमारा फुल, और इसके बाद एक्स्ट्रा लार्ज आ जाएगा। चौबीस इंची परांठा है फुल साइज, वो 30 इंची है। अच्छा अच्छा इतना कितना टाइम लगता है बनने में? 5 से 7 मिनट बनेंगे, पूरा दिखाते हैं। बेलन भी देख लो, पूरा बात का बड़ा बेलन है। ये किस चीज का है? ये परांठे का ही है। ओके तो भाई इनका एक हो रहा है, ये भी आ गया है, ये बीसी का पार्ट है रॉयल परांठा जंक्शन का, तो भाई इसमें विजिट कर सके हो सर। उसमें और इसमें क्या फर्क है? अच्छा अच्छा जगह कम क्यों भाई, इतनी कई बार इतनी भीड़ जगह नहीं मिलती बैठने खातर, तो यहाँ पर जगह बना दिया है। तो भाई कदम हम सोचा अब जगह आने, तो यहाँ पास जो एक बारी विजिट कर लियो अपना, ठीक है। ये भाई थारे मेन्यू देख लो, मोस्ट का है जूस का है। तो चलो अपना खाने का रिव्यू देते हैं अभी चलते। तो भाई अभी हमारा परांठा आ चुका है नेक्स्ट के ऊपर, तो भाई देख लो अच्छा बड़ा गरीब खाना क्या है ना खाए जा रहा है। मैं तो आपको पता होता है फायदा क्या करा है बड़ा बड़ा। तो भाई इन्होंने हमको यहाँ पे दिया है दही रायता है ना, रायता दिया है भाई, दो हरी चटनी दी है, और ये घी है, घी है मक्खन है घी, और ये घी है मक्खन है देसी घी, और इन्होंने साथ में मक्खन दिया देसी घी देते साथ में, ये भी अगर ही मैं खाऊंगी सारा हरियाणे का नाम जीत के जाऊंगी चलाऊंगी सारी बुलेट बाइक पाया करेगी भैया। तो ये देख लो वो ठंडा परांठा, ये मेरे तो खाने जा गरिमा खाऊंगी इसमें। चलो चलो चल गरिमा टेस्ट बताई सर कैसे, तो भाई पहले गरिमा का रिव्यू ले लेते हैं कैसा खा रही है। ऊपर ऊपर तारा खा रहा है, एक टुक तोड़ ला बढ़िया डाल, मस्त है भाई।
गरीमा रिव्यू होने के बाद उन्होंने कहा खाया पास में क्या बढ़िया भाई परांठा तो बढ़िया बना रखा है। मैं कहा अब बढ़िया चीज़ की कोई बनाएंगे वीडियो वीडियो बैठा के बनाते नहीं ला के देखो दी किचन दाने तो भाई देखो परांठे के अंदर के बना रखा प्याज पनीर हरी मिर्च बना से तो बना तू खा खा हरी मिर्च भी है भाई गनी मत डलवाइयो ना तो मेरा दिक्कत हो जाएगी गर्मी घनी यार दिक्कत हो जाएगी तो बना देख अपना ब्योत देख कर डलवाइयो थार जितना ब्योत होना है उस हिसाब से। देखो देसी क्या फिर छोड़ने पड़ेंगे आड़ा हो खा कर बड़े सस्ते में पड़ता पर हमने मंगाया सर 580 का मंगाया बड़ा परांठा और ये लार्ज परांठा है तो भी चोर अपना पर दबा कर खाओ सेहत बनाओ पनीर के पर प्याज के। और गाइस हमने इसने निपटा दिया अपना पर मेरा रह रहा है दो रोटी या सभी ने सवेरे खाया था मैं सवेरे खा ना और ये देख लो भाई सुबह ना खा गए आप कोई रोटी खाई मैंने भी देखे और देख मैं उसके बाद फिर दोबारा के खा ले लाइब्रेरी में दो रोटी आधा निपटा दिया आधा रह रहा है आधा गरीब मैं निपटा होगी बाबा कह रहे बहुत ज़्यादा मतलब हमने कभी फुल कराया था कभी बड़ा परांठा कराया था कल इस परांठे चार जने मिलकर खा सकते हैं उस हिसाब से हमने आधा खा लिया है हमारे दो साल दो रहा ये निपटा होगी बाकी हम दिखाओ कौन ही निपटा के जाओगे भैया लगा दो हमने आधा परांठा निपटा दिया छोटे था भाई आराम से खा लेंगे कैसा लगा गुंजाइश और खाने की नहीं है ये भी कौन ही तो भाई निपटा दिया और देखा अब देखो ज़्यादा से भीड़ हो रखी है गाइस अभी हम आपको मैंने दिखाते पहले से इसका फ्रंट का दिखाते होंगे देखो तो ये जो कल मैं बताई थी कि भारत का सबसे बड़ा परांठा है अगर कोई सा रिकॉर्ड तोड़ सके तो आज ही हो और इनका एड्रेस होगा दिल्ली बाईपास बस स्टैंड वाला रोड राजीव चौक रोहतक रोयल परांठा जंक्शन दिल्ली बाईपास पर। और भाई देख लो ये सारी वैरायटी मिल जाएंगी आपको यहाँ परांठे की ये देख लो भाई आलू मलाई गोभी शिमला मिर्च सारी वेजिटेबल की मिल जाऊंगी। और भाई जैसे आपने मोस्टली भाई खाना में चाहिए होता है प्लेन थाली मिल जाओगी इंडियन थाली मिल जाओगी सारी थाली मिल जाऊंगी स्पेशल थाली मिल जाओगी अपने रॉयल थाली और चाइनीज़ में ही मिल जाओगा अपना सब कुछ मेन कोर्स भी मिल जाओगा और भाई बेवरेज वगैरह में स्वीट्स वगैरह में सैंडविच आपने सब मिल जाओगा। तो एक बार जरूर विजिट करें एड्रेस बता दिया मैंने बाकी सर आप कुछ कहना चाहोगे अपने धन्यवाद और आप जरूर टेस्ट बताइए और मेरे वीडियो तो देखे बाद रिव्यू जरूर दियो ठीक है।